थ्री डी हेवन रनिंग न्यू ईयर सेल फ्राम टूडे टू द सेवन ऑफ जैन यू कैन गेट फिफ्टी परसेंट ऑफ ऑन एवरी थ्री डी हेवन प्रोडक्ट यूजिंग द कोपन कोड फ्राम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आईवन इसमें ये मार खान सो आज का जो सीन है उसका नाम है मॉडर्न फार्म हाउस और सॉफ्टवेयर टू इन मोशन ट्वेंटी ट्वेंटी टू का सबसे पहले मैंने थ्री सिक्सटी पिक्चर को रिप्लेस किया ताकि हमें नेचुरल इन्वामेंट का एक लुक आ सके उसके बाद मैंने अपना सीन जो है वो सेट किया और सेट करने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया है वो ये है कि मैंने जितने भी मटीरियल हैं मॉडल के उनको वन बाय वन करके रिप्लेस किया है और इसके अंदर पूरे मॉडल में जो मेरा गोल है वो ये है कि इस कलर मॉडल कलरफुल होना चाहिए यानी इसके अंदर डिफरेंट कलर्स जो हों फ्लैट ना हो जाए तो इसी मैंने जो रूफ़ का है टेक्स्चर है वो मैंने ग्रीन रखा है और ग्रीन क्यों रखा है वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊँगा वजह बताऊँगा उसके बाद मैंने जो सो कॉलम्स हैं कॉलम्स के ऊपर मैंने वुडन टेक्सचर अप्लाई किया है और उसके बाद जो उसकी बेस है बेस के ऊपर मैंने स्टोन मटेरियल यूज़ किया है और लेकिन कलरफुल है ये और मेन पर्पज़ इसका यही है जैसे अभी मैंने ये फ्लोर है फ्लोर के ऊपर भी मैंने काबल स्टोन मटीरियल यूज़ किया ब्राउन कलर का अब जैसे अगर आप दोनों स्टोन के टेक्सचर्स हैं दोनों के दोनों लेकिन आप देखेंगे दोनों आपको डिफ्रेंशेट करने में आसानी रहेगी आपको दोनों का लुक अलग लगेगा मकसद सारा का सारा यही है कि हमारा जो मॉडल है वो अट्रैक्टिव लगना चाहिए उसके अंदर डिफरेंट कलर्स जो हों वायटी दिखे एक डायनामिक लुक आना चाहिए हमारे मॉडल के अंदर फ्लैट ना हो जाए इसीलिए मेरी इंटेंशन यही है कि सब चीज़ें डिफरेंट होनी चाहिए एक दूसरे से उसके बाद मैंने अब हमने यहाँ पर ग्रास वगैरह ऐड करनी है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लॉन का टेक्सचर अप्लाई किया और ये पेमेंट वगैरह ऐड किए हैं और स्टेप्स के ऊपर मेरे जो मार्बल के टाइल्स होते हैं वो यूज़ किए हैं जोमेट्रिकल पैटर्न जो, जो यूज़ होते हैं मैंने वो यहाँ पे यूज़ किया और उनका तो साइज मैंने थोड़ा बड़ा रखा है ताकि जब हम दूर से देखें तो हमें जोमेट्रिकल शेप्स जो, जो हैं इसकी वो प्रॉपर दिखें और जो इसके कलर्स हैं वो पॉप आउट हों विज़िबिलिटी का इशू ना रहे और जो वॉल्स हैं इसकी उसके ऊपर मैंने प्लास्टर टेक्स्चर अप्लाई किया अब प्लास्टर टेक्स्चर जो है वो अप्लाई करने का मकसद ये है कि इसके ऊपर एक अलग सा जो डॉटेड टेक्स्चर होता है वो मुझे पसंद है कि जब हम क्लोजअप्स के शॉट्स लेते हैं तो वो निकल के बाहर आते हैं वो रेंडर बड़े ख़ूबसूरत लगते हैं जो डिटेल्स दिख रही होती है दीवारों के अंदर जो मटेरियल के अंदर वो चीज़ मुझे थोड़ा इंटरेस्ट देती है उसके बाद मैंने जो तो हमारा सीन है सीन के अंदर मैंने दरख्त वग़ैरह ऐड किए हैं और दरख्त मैंने एक टाइप के ऐड नहीं किए मेरी इंटेंशन यही रही है कि दरख्त जो है वो वैरायटी होनी चाहिए यानी कुछ बड़े हों कुछ छोटे हों जैसे अभी मैंने ये सीन सेट किया तो भी आप देख रहे होंगे कि सराउंडिंग पूरा खाली है एम टी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो अब इन एम टी को कवर करने के लिए मैंने क्या किया जो भी जो एजेस हैं मेरे मॉडल के उनके ऊपर मैंने लॉन्ग स्पेन के ट्रीज़ ऐड किए हैं यानी जिनका डाया बहुत ज़्यादा साइज़ बहुत ज़्यादा घने ट्रीज़ हैं उससे क्या होगा कि जो भी हमारी सराउंडिंग है वो कवर हो जाएगी और एम टी स्पेसिस हमारे ख़त्म हो जाएंगे हमें सिर्फ उसी सिर्फ दरख्त दिखेंगे जो करीब के जो दरख्त हैं वो हैं रेड कलर के और उसके बाद जो हमने ग्रास वगैरह ऐड किए ग्रास के अंदर मैंने तीन टाइप की ग्रास मैंने ऐड किए हैं यहाँ पर एक मैंने ऐड करी है लॉन्ग कट और टॉल ग्रासेस जो होती हैं ये तीन वैरायटी मैंने यूज़ की है और उसके अलावा मैंने फ्लावर्स वगैरह भी ऐड किए हैं मकसद ये है कि डिफ़रेंट टाइप की ग्रास यूज़ करने का कि वैरायटी आए जब हम सेम ये ग्रास यूज़ करेंगे तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा यानी एक ही हाइट की सारी सब जगह पर ग्रास होगी तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगती लोग जैसे भी जो सूरज है अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के दरख्त रखे हुए हैं तो सूरज की जो रोशनी है हर एक के ऊपर अलग इम्पैक्ट डाल रही है कलर्स जो दिख रहे हैं वो हर एक के अलग कलर्स दिख रहे हैं आपको और जैसे अगर आप घास पे भी फोकस करें तो घास के ऊपर भी एक वैरायटी आपको दिखेगी ये बेनिफिट होता है कि जब आप डिफरेंट टाइप के मटीरियल डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ यानी वैरायटी होनी चाहिए मॉडल के अंदर मेन चीज़ ही क्या है जैसे आप नॉर्मल घरों के अंदर देखते हैं या कहीं भी आप जाके देखेंगे तो आपको सिमिलर पैटर्न में कोई भी चीज़ नहीं दिखती है हर चीज़ ऑर्गेनाइज होती है अभी यहाँ पे हमने डिफरेंट मटेरियल यूज़ किए हैं लेकिन सारे के सारे मटेरियल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें यह नहीं हो रहा कि वो आपस में खिचड़ी बन जाए मॉडल की कि हम देखें और हमें पता ही नहीं चल कि हम देख क्या रहें कौन सी चीज़ क्या है हमारा मॉडल बिल्कुल रेडी है तो इसके अंदर मैंने डिफरेंट सीन सेट किए हैं और हर सीन के अंदर मेरी इंटेंशन ये है कि मेरा मॉडल डिफरेंट सीजन्स के अंदर कैसा लगेगा ये मैं डिपिक कर सकूँ अपने हर सीन के अंदर और एक और चीज़ जो मैं बोलना भूल गया था कि अब जैसे मैंने स्मोक को सेट किया है बेसिकली स्मोक को सेट करने का मकसद है क्या आप देखते होंगे मूवीज़ के अंदर कि जब लाइट आ रही होती है कि उस लाइट विजिबल होती है तो ये काम होता है स्मोक का जब स्मोक होगी जो तो लाइट्स आपकी सूरज से जो लाइट निकल रही होगी तो उसके अंदर वॉल्यूम ऐड होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो सके और अगर आपको कोई भी क्यूरी है या कोई भी सवाल है आप पूछना चाहते हैं जो आपको समझ में आ नहीं आ रहा है या आप चाहते हैं मैं उसका आंसर दूं आपको तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं वरना आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें वहाँ मैं ट्वेंटी फोर सेवन अवेलेबल हूँ तो जैसे ही मैं आपका मैसेज देखूँगा मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई कर दूँगा